गैस हमने अपने इस एच टी एम एल ट्यूटोरियल में काफ़ी चीज़ें देखी। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो काइंडली प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और हम लोग अपने इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे, इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ पर हम लोग अब देखने वाले हैं एच टी एम एल एंटिटीज़ के बारे में। बट उससे पहले आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, बुक मार्क करके सेव ज़रूर कर लें और वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, आगे बढ़ूँगा और यहाँ पर अपने वी एस कोड में आकर एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ tut11.html, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये बना दी है फाइल। अब मैं एमेट का इस्तेमाल करते हुए एक यहाँ पर बॉयलर प्लेट डाल दूंगा html की, क्योंकि इतना सब टाइप कौन करेगा जब एमेट बन चुकी है। जब हम एमेट के ज़माने में जी रहे हैं तो हम बिल्कुल भी ये सब टाइप नहीं करेंगे, ना ही कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे। वी एस कोड इंस्टॉल कर रखा है हमने ऑलरेडी और हम काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। मेरा पुराना लाइव सर्वर चल रहा है, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं वापस से स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने इस डॉक्यूमेंट को चेंज करके HTML एंटिटीज़ कर दूँगा और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अपने लाइव सर्वर को चालू करूँगा। और ये HTML एंटिटीज़ होता क्या है बाय द वे, आओ देखते हैं क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा div विद क्लास ऑफ कंटेनर और इसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ डाल रहा हूँ, लिख रहा हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ। और यहाँ पर कंटेनर का कोई मतलब नहीं है, ऐसे मैंने क्लास डाल दी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास और आईडी डिफाइन कर रखी है, इसलिए मेरा जस्ट मन कर रहा था क्लास डालने का, मैंने क्लास डाल दी है। आईडी तब डालते हैं जब नाम रखना होता है, क्लास मल्टीपल हो सकती हैं और मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम नाम की क्लास भी हो सकती हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। चलो दिस इज़ द पैराग्राफ आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं करी मैंने, सिर्फ दिस इज़ द पैराग्राफ लिख दिया। दिस इज़ अनदर पैराग्राफ लिख दूंगा अगर कुछ इस तरह से लिखूंगा तो आप लोग कह सकते हैं कि अरे भाई तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या कर रहे हो। मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। देखो ऐसा है ना कि अगर मैं यहाँ पर दिस इज़ अनदर पैराग्राफ मैंने लिखा, दूसरा पैराग्राफ बनाया, अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेसेस दे दूँ ऐसे, क्या एक्सपेक्ट करोगे आप एक्सपेक्ट करोगे कि सारी स्पेसेस प्रिंट हो जाएं, लेकिन ये देखो क्या हुआ, ये स्पेसेस प्रिंट नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि HTML जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जितनी भी स्पेसेस हैं सबको चॉप ऑफ करके एक स्पेस मानता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं स्पेस आप एडिशनल यूज़ करें तो आपको HTML एंटिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे करेंगे ये भी बताता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा NBSP, ठीक है। NBSP होती है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। और इसको सेव करूंगा तो देखो दिस इज अनदर के बाद एक स्पेस आ गई। अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं कुछ इस तरह से, आप ये ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे अपनी वेबसाइट्स में, बस आपको आना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने इतनी सारी स्पेसेस देखो प्रिंट कर दी हैं, तो इतनी सारी स्पेसेस जो ये प्रिंट करी हैं मैंने ये NBSP की मदद से करी हैं। तो मैं इतने सारे NBSPs को हटा दूंगा यहाँ से, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगती है NBSP वाली वेबसाइट, बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें इसको स्पेसेस लाने के लिए, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल करेंगे मार्जिन, पैडिंग और CSS के सेलेक्टर्स हैं और CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। ये सब चीज़ें बस आपको आनी चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब एक और सिनेरियो देखो, यहाँ पर अगर मान लो मैं ऐसे P लिखता हूँ और लिखता हूँ पैराग्राफ इज़ रिटन लाइक दिस, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखना है, मैं चाहता हूँ कि ये आए लिखा हुआ, तो देखो क्या हुआ, ये देखो पैराग्राफ इज़ रिटन लाइक दिस, मेरा पी कहाँ है, मैंने पी भी तो लिखा है यहाँ पर, लेकिन मैं तो अपनी वेबसाइट में ये देखना चाहता हूँ, मैं कैसे लाऊँ इसको। मैं ये लिखूँगा तो ये मान लेगा कि ये टैग है, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई, समस्या का समाधान मैं कैसे करूँ। तो समस्या का समाधान ये है कि यहाँ पर आप लिख दें MLT, ठीक है, और यहाँ पर लिख दें ये जो ग्रेटर देन वाला सिंबल है MGT, और जैसे ये करोगे आप, ये देखो यहाँ पर अब आ गया मेरा ये। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप नहीं लिख पाओगे बिना इसके, और ये होती हैं HTML एंटिटीज़। तो आई होप कि आप लोगों को HTML एंटिटीज़ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम जो है और एंटिटीज़ भी देखेंगे HTML की और आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है ये HTML एंटिटीज़। तो ये जो HTML एंटिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, जो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं आपके HTML के अंदर, जैसे कि ये HTML का रिजर्व्ड कैरेक्टर है, ये जो लेस देन सिंबल है, ग्रेटर देन सिंबल है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर पी लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर HTML एंटिटीज़ का इस्तेमाल करके इनको लिखना पड़ेगा। HTML एंटिटीज़ का इस्तेमाल सिर्फ इतने ही के लिए नहीं किया जाता है, HTML एंटिटीज़ का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं अपने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को लिखने के लिए भी जो कि आपके कीबोर्ड में नहीं होते हैं या फिर आपके कीबोर्ड में
एज ए स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं पाउंड सिंबल, जो पाउंड होता है हमारा मनी वाला, और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पर जैसे मान लो मुझे पाउंड लिखना है, तो पाउंड में मैं क्या करूँगा, लिखूँगा एम परसेंट, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा एम परसेंट पी ओ यू एन डी सेमी कोलन, और मैं यहाँ पर लिखूँगा पाउंड इज रिटन लाइक दिस पाउंड। तो देखो यहाँ पर ये पाउंड आ गया, ये पैसों वाला पाउंड है, ये हैश वाला पाउंड नहीं है, तो कन्फ्यूज़ मत होना बिल्कुल भी आप। उसी तरह कॉपीराइट मुझे अगर लिखना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, मैं लिखूँगा कॉपीराइट और उसके बाद मैं लिख दूंगा एम परसेंट कॉपीराइट, ठीक है, और एम परसेंट कॉपी, सॉरी नॉट कॉपीराइट, कॉपी, और कंट्रोल एस करूँगा। तो देखो यहाँ पर मुझे वी एस कोड भी दे रहा है सजेशंस, तो मैंने इसको सेव किया, जैसे ही देखो यहाँ पर इस तरह से सी लिख कर आ गया, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को लिखना है एक सेंट लिखना है, मान लो येन लिखना है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आपको रटने की ज़रूरत है ये सब चीज़ें। आप लोग जा सकते हैं नेट पर, इंटरनेट पर जाकर आप लिख सकते हैं एच टी एम एल एंटिटीज रेफरेंस, और आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है इंटरनेट पे जाने में। देखो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, सब कुछ लिखा हुआ है, इक्वल्स टू का लिखा हुआ है, एम परसेंट इक्वल्स सेमी कोलन, फिर उसी के साथ साथ एम परसेंट जी टी सेमी कोल सेमी कोलन, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एट द रेट का भी आपको एंटिटी दिया हुआ है। इनमें से कुछ भी इस्तेमाल करना है आपको, सिंपली इसके नीचे जो लिखा हुआ है इसको ले लें। जैसे मान लो मुझे ये चाहिए तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा इसको, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको इससे रिप्लेस करता हूँ, सेव करता हूँ, दिस इज रिटन लाइक दिस, मैंने ऐसे लिख दिया दिस। तो ये देखो ये ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया। तो ये जो एंटिटीज़ का चार्ट है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी वेबसाइट है, बट मुझे ये जो वेबसाइट है इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं गूगल पे सर्च करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। सो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपको तुरंत बुक मार्क कर लें, अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप बुक मार्क कर सकते हैं इस वेबसाइट को, बट इस तरह की यूज़फुल वेबसाइट्स आपको मिल ही जानी है इंटरनेट पे जब आप सर्च करोगे तो। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो 1/4, ये देखता हूँ कैसा काम करता है, इसको यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी टू पेस्ट, और ये देखो 1/4 भी आ गया लिखे। तो ये आप इस्तेमाल करें बिल्कुल, और ये देखो इसमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं जो कि शायद आप कीबोर्ड से नहीं लिख पाएंगे, तो आप हर तरह की चीज़ यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ मैं, अगर मैं आप लोगों को ब्लैंक कैरेक्टर के बारे में बताऊं, ब्लैंक कैरेक्टर से जुड़ी एक आप लोगों को मैं बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। ब्लैंक कैरेक्टर एचटीएमएल लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो एम्प्टी कैरेक्टर जो है वो मुझे मिल जाए एचटीएमएल में, कहाँ पर गया, हाँ ये विच बिहेव्स द सेम, तो मैं इसको अगर कॉपी करूँ और इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से पेस्ट करूँ, तो यहाँ पर देखना मैं लिखता हूँ एम्प्टी कैरेक्टर, एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँगा अभी और मज़ा आएगा सुन के आपको, इज रिटन लाइक दिस। तो ये जो एम्प्टी कैरेक्टर होता है ये अगर आप व्हाट्सएप पे लिख के किसी को भेजोगे तो एक एम्प्टी मैसेज चला जाता है, या फिर बहुत ऐसी वेबसाइट्स जो कि एम्प्टी मैसेज आपको सेंड करने में जो है अलाउ नहीं करती हैं, आप क्या कर सकते हो अपने एचटीएमएल की मदद से इसको जनरेट कर सकते हो, और इसको जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी करोगे और उसके बाद आप पेस्ट करके किसी को सेंड करोगे तो क्या होगा कि वो मैसेज एज एन एम्प्टी मैसेज चला जाएगा। तो ये था एम्प्टी कैरेक्टर के बारे में, और एचटीएमएल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो कि मैंने लिखे हैं, तो मैं कन्फ्यूजन को थोड़ा क्लियर करने के लिए यहाँ पर अनदर कैरेक्टर इज, मैं यहाँ पर अनदर कैरेक्टर इज़ ये लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी ये लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर ये ना सोचो कि दिस नाम का कोई कैरेक्टर होता है, और मुझे मालूम है आप लोग नहीं सोचोगे, बट अगेन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये मुझे ही कन्फ्यूज़ ना कर दें आपके साथ साथ, तो एज ह्यूमन बींग्स हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने लिखा दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, उसके बाद दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विद टू स्पेसेस, उसी के साथ साथ यहाँ पर पैराग्राफ इज़ रिटन लाइक दिस, उसके बाद पाउंड इज़ रिटन लाइक दिस, फिर कॉपी राइट इज़ रिटन लाइक दिस, अनदर कैरेक्टर एम्प्टी कैरेक्टर, ठीक है यार बढ़िया। यहाँ पर एक चीज़ नोट करो कि जो मैंने क्लास है वो इन दो एलिमेंट्स को दे रखी है, इसको और इसको, और ये बिल्कुल ओके है, नो प्रॉब्लम्स विद दैट, क्योंकि
जो क्लास होती है वो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हो, लेकिन आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लास, एज लॉन्ग एज हम क्लास रख रहे हैं मल्टीपल एलिमेंट्स में, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होनी चाहिए। तो ये था HTML एंटिटीज़ के बारे में, आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। अगर ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं किया तो काइंडली इसको बुकमार्क और सेव करें, और वीडियो को लाइक करके थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।